बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.6। इसके अलावा जो है पेज नंबर है 76, इस पर मॉड्यूल है क्वेश्चन नंबर 5 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके चार पार्ट्स है, इसका पहला पार्ट के सोल्यूशन आज डिस्कस करेंगे और ये 5 मार्क्स का सवाल एग्जाम में सेक्शन बी में पूछा जाता है। अब देखते हैं सवाल की जानिब। सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड द कंडीशन। अच्छा, अब पहली चीज जो है यहाँ पर जो है लव्स एक कंडीशन आया है आपके लिए, दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए के पास जीरो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ए के पास जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई का खत्म लेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी बल्कि लीनियर बन जाएगी, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब एक चीज और, मे बी पहले पार्ट में कह रहे हैं 3 टाइम्स अदर। अब है कंडीशन, पहले कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से एक बॉक्स बनाया है और यहां पर इसको समझाऊंगा। नोट की हेडिंग डाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर एक ही वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेरिएबल को छोड़ के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए बी सी। अब कंडीशन का मतलब ये है कि वेरिएबल को छोड़ के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके दरमियान एक ताल्लुक बनाना वो एक कंडीशन कहलाती है। तो मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी बिटवीन रिलेशन, इन तीनों के दरमियान रिलेशन बनाएंगे इस कॉल्ड कंडीशन कहलाती है। तो इसका मतलब हमें जो है ए बी सी के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन बनाना है या कोई ना कोई इक्वेशन बनानी है। अब वो किसी से बनानी है जरा देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट जो होंगे जाहिर सी बात है अल्फा और बीटा रूट्स है, तो सम निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। लेट अब कह रहे दो रूट से एक अल्फा एक बीटा, अब एक रूट दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर है, या तो आप सपोज कर रहे अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा, यहां पे मैंने सपोज कर लिया बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, आप कुछ भी ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने फर्स्ट कर लिया बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में बारी बारी पुट करके सिंपलीफाई करता हूं। 1 इज अप्लाइज एट अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करूंगा, 3 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 1 अल्फा 4 अल्फा हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, अल्फा की कीमत निकालिए, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इसके नीचे आएंगे डिवाइड करें तो अल्फा की कीमत होगी माइनस बी अपॉन 4a, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू आपने 2 में पुट कर ली, 2 इज अप्लाइज एट 2 इज अप्लाइज एट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू है 3 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये अल्फा को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्या करेंगे, हमें अल्फा को यहां से खत्म करना है तो पुट 3 इन अबव, यानी कि 3 की जो वैल्यू है अल्फा की वैल्यू इसको ना कर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, 3 माइनस बी अपॉन 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगले स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, बी का स्क्वायर पड़ेगा 4 का स्क्वायर 16 और ए का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें 3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू ए स्क्वायर, 1 पावर a से 1 पावर a कैंसिल, 3 ऊपर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 16a इज इक्वल टू सी, 16a यहां पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा c से तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac हो जाएगा। अब देखिए a b c इनके दरमियान एक ताल्लुक बनाना था और क्या आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल शामिल नहीं है तो बी द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये आपका कंडीशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेंगे सऊद सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।